जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पोस्टीरियर डेल्ट वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर एक, डम्बल बेंट ओवर रिवर्स फ्लाई। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इसमें हमें आगे की ओर झुक जाना होता है और अपने हाथों को उठाकर कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इसमें जब आप डम्बल को ऊपर उठाएं तो अपने पोस्टीरियर डेल्ट को स्क्वीज करें और जब डम्बल को नीचे लाएं तो पोस्टीरियर डेल्ट को स्ट्रेच करें। इसके आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर दो, रियर डेल्ट मशीन फ्लाई। इस एक्सरसाइज को मशीन फ्लाई की सहायता से कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करना है। यह एक्सरसाइज भी पोस्टीरियर डेल्ट को काफी तेजी से बड़ा करती है। इसमें जब आप दोनों हैंडल को पीछे की ओर लाएं तो पीछे अपने पोस्टीरियर डेल्ट को स्क्वीज करें और जब दोनों हैंडल को आगे लेकर जाएं तो पोस्टीरियर डेल्ट को अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके भी आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीन, इंक्लाइन डम्बल रिवर्स फ्लाई। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों में डम्बल लेकर इंक्लाइन बेंच पर चेस्ट के बल लेटकर कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करना है। इसमें जब आप दोनों डम्बल को ऊपर उठाएं तो पीछे अपने शोल्डर्स को स्क्वीज करें और जब नीचे लेकर आएं तो शोल्डर्स को स्ट्रेच करें। इससे भी पोस्टीरियर डेल्ट काफी तेजी से ग्रो होते हैं। इसके भी आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर चार, डम्बल रियर डेल्ट रेज। इस एक्सरसाइज को हमें सीट या बेंच पर बैठकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। हमें अपने धड़ को आगे झुकाकर हाथों को साइड में उठाके कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज हमारे पोस्टीरियर डेल्ट को काफी तेजी से बड़ा करती है। इसके भी आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर पाँच, डम्बल साइड लाइंग रियर डेल्ट रेज। इस एक्सरसाइज में हमें एक हाथ में डम्बल लेकर कुछ इस प्रकार का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज भी पोस्टीरियर डेल्ट के लिए काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें जब आप डम्बल को ऊपर उठाएं तो अपने पोस्टीरियर डेल्ट को स्क्वीज करें और फिर डम्बल को धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी एक्सरसाइज को ऐसे ही परफॉर्म करना है। इसके भी आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर छह, केवल फेस पुल। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएं और जब आप रोप को पीछे की ओर खींचें तो अपने पोस्टीरियर डेल्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें और जब रोप को आगे करें तब पोस्टीरियर डेल्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज से शोल्डर्स का बैक पार्ट यानी पोस्टीरियर डेल्ट तेजी से गेन होता है। इसके भी आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।